नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को जरूर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। आज की कथा है हनुमान जी और महाराज जी के बारे में। एक बार शंकर प्रसाद व्यास जी संगम पे, संगम अलाहाबाद में, वहाँ पे हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। ये कथा वैसे अहंकार को तोड़ने के बारे में है, लेकिन महाराज जी कैसे कैसे खेल करते हैं। तो शंकर व्यास महाराज जी एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे। फिर उन्होंने अपने एक भक्त को बोला कि जाओ व्यास को बुला लाओ। उस समय बहुत भीड़ लगी हुई थी और कथावाचक महाराज जी को जानते नहीं थे। वो भक्त पहुंचे, उन्होंने कहा कि बाबा नीम करो जी ने आपको बुलाया है। उन्होंने कहा कि ये कौन है, हु इज नीम करोली, आई डोंट नो, आई डोंट हैव टाइम। उन्होंने कहा कि कौन है नीम करोली बाबा, मैं नहीं जानता, मेरे पास टाइम नहीं है। उनके साथ डायस पे दुधारी बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने व्यास जी को कुछ बोला कान में, तो व्यास जी उनके साथ उठ के नीम करोली बाबा के पास आए। नीम करोली बाबा ने उनको कहा, तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे शब्द महाराज जी को कैसे पता चल गए। तो महाराज जी ने उनको बोला कि प्रभुदत्त आता होगा, उसको बोल देना कि मैं नहीं जा रहा हूँ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी उस समय के बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और व्यास जी जो थे वो उनकी बहुत मान्यता रखते थे, उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई गाड़ी तो आ नहीं रही है, कहीं कुछ है नहीं। अचानक उन्होंने देखा 2 मिनट के अंदर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी वहाँ पहुँच गए। जैसे ही उन्होंने नीम करोली बाबा को देखा तो उन्होंने महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया, जिसे देख के व्यास जी को बहुत मन में क्षोभ हुआ कि जिनको मैं इतना मानता हूँ वो इनके चरण छू रहे हैं, तो पता नहीं ये कितने महान व्यक्तित्व हैं, कितने महान व्यक्ति हैं, कितने महान गुरु हैं, कितनी महान शक्ति है। तो मित्रों, इस प्रकार महाराज जी ने व्यास जी के घमंड को तोड़ा। उनके अंदर जो एक अहंकार आ गया था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, हमारे मन में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ना बड़ा है ना छोटा है, एक दिन सबको निकल जाना है। आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, जिंदा किसी को नहीं रहना। ये जो थोड़ा सा टाइम है इसमें हम कितना अच्छा कर सकते हैं। महाराज जी ने बोला है, लव सर फीड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ और हमेशा राम नाम लेते रहिए। यही करना है बस। जिंदगी में परेशानियां तो आएंगी ही, उसी का नाम जिंदगी है। अच्छे बुरे विचार भी आएंगे, वो मानव स्वभाव है। इन सब के बाद भी अगर महाराज जी ने हमको, आपको अपनी शरण में लिया है, तो एक बात से निश्चित रहिए कि इस जन्म से और आने वाले जन्मों से छुटकारा महाराज जी जरूर दिलाएंगे। इस प्रकार व्यास जी को बहुत शोक हुआ कि मैंने किसका अनादर कर दिया, इतने बड़े संत का, जिसको कि मेरे गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। श्री राम, जय हो कैची धाम, जय हो फरूखाबाद, जहाँ जहाँ महाराज जी के चरण पड़े हर उस स्थल की जय हो, सिद्धि माता की जय हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा।